इंसान जब बुरे हालत से गुजरता है उस वक्त उसे अच्छा दिनों का याद जरूर आता है, उसका कुकर्मों का बारे में याद आता है। पर जब इंसान बुरे काम करके आयासी जिंदगी गुजरा करते हैं, वो ये नहीं सोचता कि मेरा भी कभी बुरे दिन आएगा, मेरा साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है। मेरा नाम चाऊ है। बचपन में मैंने माँ पिताजी को खोया है, बस मस्ती और आयासी जिंदगी गुजारने के लिए चुन लिया शॉर्टकट यानी कि गलत रास्ता। शामिल हो गया माफिया गैंग में, जिसका बॉस है मिस्टर टी। लगता तो ये कॉमेडियन है पर है बड़ी खतरनाक। और हाँ, उसका साइज पे मत जाइए, जितना छोटा उसका साइज है उससे बड़ा उसका गुस्सा है। मिस्टर जी, ये माल तो नकली है। क्या? कहो नहीं रे, चाओ चाओ नम जागो। आदमी तो वही है ना। बेबी, मेरा बात मान जा, आईफोन तुमको मिल जाएगा ना। बेबी प्लीज ना, वो बिगना तत्व बना प्लीज। मिस्टर टी, यू आर अंडर अरेस्ट।
ये जगह तो किसी को भी मालूम नहीं है। कौन बताया? तेरा दोस्त चाओ ने बताया। धरती को धोखा देके हम निकल पड़ा दूसरी मंजिल की तलाश में। वो काम बहुत रिस्क था, कदम कदम पे मौत का खतरा। मुझे चाहिए था बिना खून पसीना बहा के तमाम ऐसो आराम की जिंदगी। यहाँ आके बनाया एक नया पहचान, नए दोस्त समा, राजू, आना और रोमी। रोमी और हम दोनों का दोस्ती काफ़ी गहरा होने लगा। वो दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गया। उसकी वजह से हम फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पर मेरा मंजिल तो कुछ और ही था। दुनिया वाले कहते हैं अगर अपने ज़िंदगी खुशी से जीना चाहते हो तो हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान रखो, एक हार्ड वर्क, दूसरा प्यार। पर मैं तो कहता हूँ अगर अपने ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक ही चीज़ पे फोकस करो, वो है पैसा। मनी है तो सब कुछ है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। और हम जुड़ गया एक नया कहानी के साथ। तुम्हारा कोई भी बकवास हम सुनने वाला नहीं है। तुमको हम इतना साथ दिया, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। लालची, मेरा जागीर पे राज करने जा रहा था तू। आज तुमको पति बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। हम बोल रहे तो हमसे गलती हो गया। चुपचाप घर से निकल जाओ बोले, वो गुंडी के साथ रहने जाओ वरना ये गोली चल जाएगा। मारने वाला बात क्यों करते हो, जो हो गया सो हो गया, अभी मिलके बैठना है। क्या बोला? मिलके बैठेगा? जब लड़की करते समय में ये सब बात याद नहीं आया? अनलिंग, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे निकलने से पहले एक बार सोच लेना। जो सोचना था सोच लिया, दफा हो जाओ। आज रिहर्सल के लिए कोई भी नहीं आया और कॉलेज भी सामने पहुंच गया, ऐसे उनसे कैसे होगा। चलो ये बात, कल हम क्या गाना गा रहा था? आया लो चाओ रस को पूछो। वाह हमारा जमेला हीरो। अरे कब जा रहे हैं दो, यह कॉमेडी शो चल रहा है क्या? नौकरी से ले देना है। हमारे हंसी से आपको हानिकारक ना हो, आपके आंखों से कभी आंसू ना हो, मिले जिंदगी में हर खुशी आपको, भले उस खुशी में राजू और समा ना हो। अरे वाह वाह वाह, कब से शायर बन गई। अरे चाओ कॉफी तो पिलाओ। ओ तब तू, ओ ये रोमी आना और बाकी दोस्त लोग को भी आने दो। आए अरे रोमी भी आ गया। अरे रूबी आ गया, आओ यहाँ बैठो। दोनों उसका सिर्फ इतना ही। अरे आना भी आ गया। ओ आना यहाँ बैठो। सब लोग आ गया, चलो चलो रिहर्सल करती है, बहुत गर्म लग रहा है। कॉलेज के सारे दरवाजे बंद हैं, रिहर्सल के लिए कोई नहीं। कॉलेज के सारे दरवाजे बंद हैं, रिहर्सल के लिए कोई नहीं। कोई चाय कॉफी का इंतजाम तो करो, कोई चाय कॉफी का इंतजाम तो करो। अगर पैसा कम भी पड़ जाती है दुकानदार से ये कहूंगा थोड़ा पैसा तो कम करो। अरे वाह 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 वाह। क्या क्या लाया देखेगा तो? चा कुछ भी नहीं लाया रे। हुकू का काम चुटु रॉक अप।
छोटू माओ का है पता लगा। मिस्टर टी उसका नाम तो चाव है ना। आदमी तो वही है ना। हाँ। नाम से कंफ्यूज क्यों कर रहे, कंफ्यूज क्यों कर रहे? अच्छा नहीं दोरो उसको फोन लगाओ। मिस्टर टी बैलेंस नहीं है। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल क्यों पकड़ता है? राघव गाड़ी क्यों रुक गया? और तुमको कितना बार बताएगा, गाड़ी रुकाने से पहले ब्रेक मारो। मिस्टर टी तेल खत्म हो गया। तुम लोग जैसे बेकार आदमी दुनिया में नहीं देखा है। चलो जब मैं जेल में था तुम लोग ने क्या क्या काम किया है? एनी प्रोग्रेस? यस मिस्टर टी। गुड, वेरी गुड। क्या क्या काम किया है? हम आपका पुराना स्कूटी बेच के नया सेलफोन ले लिया। हम तो बस्ती जाके खेती करके आए। मैं तो बेबी को लेके कलोरिंग घूम के आया। तुमने कुछ नहीं बेचा? बेचा ना, सुमो का चक्का बेच दिया मैंने। गुड, वेरी गुड। एक ने स्कूटी बेच दिया, दूसरा ने टायर बेच दिया, तीसरा ने बस्ती जाके खेती किया और मैंने जेल में जाके चक्की पीस रहा था। गड़ा तुम लोग गड़ा, जिसके लिए मैंने 6 महीने जेल में बैठ के आया। सालो आज मस्ती करोगे मस्ती। ढूंढने की क्या जरूरत है, जब जब तुम याद करोगी तब तब हम तुम्हारे सामने होगा। रोमी आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। क्या हुआ है? तेरा दिमाग ठीक है? वो तेरा माँ को उम्र का है। जो भी बोलो, क्या माल है यार? यार तू कभी सुधरेगा नहीं, अपने दिमाग का इलाज कराओ। दिमाग का इलाज तो कर लूंगा राजू, पर दिल का क्या करूं? और मेरे दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। ये लो चाव को, बात करते रहो, हम तेरा बाथरूम जाके आएगा। हेलो। हेलो हम आना बोल रहे हैं। हाँ बोलो आना।
हाँ ओमी, हम दोनों अभी मार्केट जाएगा, क्या आप साथ में जाएगा? ओमी नहीं अंगवा से मौका जो नहीं आते रे क होगा तब तो। बात कर लिया? हाँ बात किया है, लेकिन वो बाद में आएगा बोले। मार्केट जाने का बंद, आज मेरा घर पे सोएगा ना? होगा, कला कला रेडी लाजी मुझे। आपको तो पता ही है ना, मेरा भी आपका जैसे मम्मी पापा नहीं है, बचपन से हमको अंकल आंटी देख रहे हैं और वही मेरा सब कुछ है। होमी आप ऐसा मत बोलो ना, हम जानते हैं। अगर आप हमको आधा रास्ता में छोड़ देने से हमको बहुत तकलीफ होगा, आप हमको छोड़ तो नहीं देगा ना? आप ये बात क्यों बार बार दोहराते रहते हैं? हम बोला है ना आपका जिंदगी भर हम साथ देगा। नहीं नहीं, कभी कभी डर लगता है, हम दोनों के बीच में कोई दुश्मन आ गया तो। दुश्मन? कौन सा दुश्मन? हम लोग का कोई दुश्मन है नहीं। आप इतना खराब है, आईफोन देगा बोल के आज तक नहीं दिए। क्या बोले तू? देखेगा? ये क्या? मैंने खुद भी ऐसे पोल पकड़ के बिकता हुआ है। तेरे को आईफोन चाहिए? ये सिर्फ चाव माओ कहो कब वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। एक बार चाव को मिलने दो। तेरे को आईफोन क्या? देख के फोन भी खरीदूंगा। एक बार चाव को मिलने दो। राघव गाड़ी में तेल डला है? हाँ डला है, 150 रुपया का डला है। तुम लोग भी ना एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। अरे उसका पास कहाँ से पैसा आया है? ये लो तेल डालो। अरे इतना ज्यादा दे दिया। मिस्टर टी इसको पूरा को डलेगा। अरे डलने क्या है? दरो तेरा फोन में बैलेंस है? ज्यादा तो नहीं है, 10 रुपए जैसा होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग को कंफर्म है? कहो हाय बोल के। हाँ 100% कंफर्म। ठीक है चलो। मिस्टर टी नो नहीं जाएगा। आपने तो कहा चलो बोल के। बस गाड़ी में भी तो चलो। राघव यहाँ कहीं सुस्ता वाला गुंडा मिलेगा? तोरा अरेंज करो तो। ए कौन करो तो? ठीक है। मिस्टर टी यहाँ तो सबसे सस्ता वाला गुंडा हम लोग ही है, हम लोग से सस्ता वाला कहाँ मिलेगा? ये बात तुम किसी को बताए? नहीं। ठीक है मत बताओ। हाँ ठीक है। मिस्टर टी आपको हम एक सवाल करना था। क्या? हम लोग कॉमेडियन है या विलन है? क्यों
क्योंकि हिंदी मूवी में देखता है विलन बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, सूट बूट पहनता है, अच्छा अच्छा गाड़ी दौड़ाता है। हम लोग को देखो ना, वही कपड़ा वही सराला सुमो। हम तो कभी कभी ड्रेस चेंज करता है, नो खुद का हालत तो देखो। अरे मरेगा तो नहीं ना। कुछ कुछ चीजें फिल्म का बजट का ऊपर में भी होता है चिंपाए। हमको कुरियर कंपनी में जॉब मिल गया, पार्सल डिलीवरी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, तो एसेंस हमको भी एक ढूंढो। वैकेशन में आप कोचिंग करो, बुक कॉलेज फीस घर वाला को हम दे देंगे, तुमको ये सब काम करने के लिए जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बाइक नहीं है, तुम कैसे आना जाना करेगा? यही तो प्रॉब्लम है ना, ना मेरा पास बाइक है ना स्कूटी है, शायद मेरे पास 30,000 ऐसे कुछ है, उसको लेके आप सेकेंड हैंड स्कूटी ले लो। चलो हो जाएगा। आप ही कॉल किया था। टी एक तपर मारो। मैं कैसे मार सकता हूँ? तुमने पहले भी नहीं मारा था। हाँ? मैंने कब मारा था? अगर तुमने नहीं मारा तो उल्टा तुम मार खाएगा। ठीक है आप बोल रहे तो, लेकिन करप मत पाई। अरे उसमें करप पाने का कौन सा बात है? प्रेस द लॉर्ड। तोल तुम मारो मुझे नहीं उससे मत। माओ मिस्टर टी, माओ नहीं छाओ छाओ। अभी तो यही है ना? यही है। नाम से क्यों कंपीट करता है? आया बिंग पाजे का जंकी चरी तो। तेरे लिए मैं 6 महीने जेल में बैठ के आया हूँ और तू मेरा पैसा लेके एस करता है।
मेरा पैसा जल्दी लौटा देना। मिस्टर ती, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं आपका पास आने ही वाला था, हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मिस्टर ती प्लीज हमें कुछ समय का मोहलत दे दो। क्या बोला तुम? मेरा पैसा काके तो आप भी एक्टिंग करते हैं, धोखेबाज। आपका पैसा मेरा लोन चुकाने में ही चला गया, इसलिए वहाँ से भाग के यहाँ आ गया। हमको कुछ समय चाहिए, हम आपका पैसा दे देगा। हम वो का चिंगमा, एक हफ्ता के बाद मेरा पैसा लेके आओ। चोतो, उसका स्कूटी ले लो। चलो। मिस्टर दीप, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? हम बोला है ना आपका पैसा हम दे देगा। मिस्टर दीप, स्कूटी मिलेगा ना लाया गए सभी तुम लोग चला घूमते नहीं हो। आना जी चाकू कहाँ पे है? बहुत लोग काट किए तो पत्र रखा। आया आपके घर में सामान मिलना बहुत मुश्किल है। सेवा चाओ। Any doubt? माँ वो करे माँ, उसका हरकत देख के मुझे बहुत डर लगती है। नहीं ऐसे बात नहीं है, वो ऐसे ही है, हमको चाओ पर पूरा भरोसा है। मैं दुआ करती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं बोल रही थी। थैंक यू माई डियर सीज फॉर केयरिंग मी। मेरा काम तो हो गया, आप अपना काम करते रहो। राखी तो पतन के मैं के इको बोलो। अरे चो क्या हो गया आज तुम? मत बोलो यार, बहुत टेंशन में है। कल मेरा स्कूटी चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? कैसे? मालूम नहीं यार, कल रात पता नहीं मेरा स्कूटी को चोरी हो गया, और अभी मेरा पास पैसा भी नहीं है, कहाँ से लेगा। हम और एक आदमी को बात करके रखा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो भी 2-3 लाख रुपया मांग रहा था, वो भी एडवांस में। क्या करेगा, ना बोलो तो का कम दो कुमा। मेरा पास भी एक रुपया भी नहीं है, बस मेरा माँ शादी के लिए तसंग चोर के गई है, उसको लेके यूज कर सकते हो, लेकिन वापस देना पड़ेगा। ओमी, आप क्या सोच रहे? आपको तो हम पहले भी बताया, ये मेरा माँ मेरा शादी के लिए देखेगी है, इसलिए जिसे भी वापस दे देना पड़ेगा। हाँ कल परसों मेरा जॉब मिलने वाला है, आपको हम वापस दे देगा। क्या हुआ आना दिए? तुम तो मुझसे बात ही मत करो। उगुरी पला, तुमको क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? पूरा खोल के तो बताओ हुआ क्या। हाथों यहाँ से। उसको क्या जरूरत थी अपनी माला साला देने के लिए, वो भी माँ का। ओ, तो ये बात है। कुछ नहीं,
पैसा मिलने से वो वापस ला देगा। इतना भरोसा उस पर? शायद तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नो दे लो कुमा दे लो कुछ तेरे आना दे। बस इतना ही अरेंज कर पाया। सीते, मुझे मेरा 20 लाख रुपया चाहिए। मिस्टर ती, बस हम अभी इतना ही अरेंज कर पाया, आप इसी से काम चला लीजिए। अभी तुम मरेगा। अरे हुगुरिपा, गाली दो। होगा यालो रुतो। मिस्टर ती, मैंने कहा गाली दो। कुत्ता, कमीना, हरामी, सुंगर का बच्चा, सिबी, बीदंग, बीरम, बंदर का बच्चा, नाले के कीड़ा, दुलंग मत पे पतला हो बनु गोदन आई उई मलम नेम पतला निकारे चतन का गिप पतला नु आई। मुझे नहीं उसको गाली देने के लिए बोला। आई तो ये आदमी तो नहीं होगा, कुछ काम का नहीं। गो गो नहीं, चाओ चाओ। अरे समझ गया समझ गया, आदमी तो वही है ना, नाम से क्यों कंफ्यूज करना है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मिस्टर ती, तोरा डिस्काउंट नहीं होगा। नो डिस्काउंट यहाँ से। मिस्टर ती, मेरा इधर बैलेंस डाल देने से ठीक था। मेरा भी जूता पड़ गया। जूता ले देने से ठीक है क्या? मिस्टर ती, मेरा गाड़ी टायर चेंज करना है। बेबी, मेरा आईफोन। तुम लोग का कुछ इसके अंदर नहीं है क्या? अरे शाल यू गॉट मोबाइल बैलेंस तो मांगा था। मोबाइल रिचार्ज, गाड़ी टायर, जूता, ये सब क्या है? कम से कम मेरा बेबी जैसे आईफोन तो मांगो। स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो। शलाहावरी फुकरे दोरो। एक आईफोन का दाम कितना है? मिस्टर ती, कम से कम 50,000। अरे आईफोन मैंने चला गया क्या? साथ में मेरा जूता ला देने स्थिति और मेरा टायर। क्या था? जी मैडम, लीजिए। आप यहाँ रुकिए, हम पैसा लेकर आएगा। वाओ, ये तो कमाल हो गया। जिसे ढूंढा गली गली, वो मेरे घर के पिछवाड़े मिली। ये लो भाई। थैंक यू मैडम। वो पहले वाला भाई कहाँ गया है? ओ मैडम, पहले वाला लड़का तो अभी दूसरा सेक्टर में काम करता है। ये सेक्टर में अभी हम ही काम कर रहा है, नया आया है। ओ अच्छा मैडम, 200 रुपया का चेंज दे दो। होगा, रख लो, कल परसों मेरा सामान आने वाला है, तब मिला लेगा। ओके, थैंक यू मैडम। का हे हे हे
बिजी है, क्या हो गया? शायद कस्टमर के साथ बिजी होता होगा। कौन है सुबह सुबह आ रहा है बाबा? ओ पार्सल आए? जी मैडम। अंदर लाओ ना। ये लो। मैडम मेरे पास चेंज नहीं है, हम आपको कल 200 रुपया देना था ना। हो जाएगा, रख लो ना। थैंक यू मैडम। आप ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? ये सब केसेस का झमेला भी खत्म हो जाएगा भाई। वो सब हम नहीं जानते हैं, नेट बैंकिंग तो है लेकिन यूज नहीं करते हैं। डिजिटल इंडिया है मैम, आजकल सभी यूज करते हैं। बस कुछ सिंपल स्टेप फॉलो कीजिए और आप भी सीख जाइए। क्या आप हमको सिखाएगा? Of course ma'am, why not? आपके पास समय होगा? समय ही समय है, बस आप हुकुम कीजिए। तो शुरू करें? Of course। तो आप बैठिए, हम लैपटॉप और डॉक्यूमेंट लाएगा, ठीक है? थोड़ा समझ में आ रहा है, कंफ्यूज होने से आपको कॉल करेगा। हाँ ठीक है मैडम। लड़का तो स्मार्ट है। तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हाँ माना कि बहुत बिजी होता है लेकिन इतना फुर्सत तो मिलता होगा ना हमसे बात करने के लिए। तुम फिर से शुरू हो गए, जरा समझा करो यार, गेम जब शुरू हो रहा है। गेम मेरा मतलब है कि जो अभी शुरू हो रहा है। अभी तक तो समझ ही रहा हूँ इसलिए इतना साथ दे रहे, पर ये समझदारी कितना देर तक टिकेगा पता नहीं। पति को भगा दिया, अकेली रहती है, बहुत पैसा है, मौका हाथ से कैसे जाने दो। क्यों ना एक बार मैं ट्राई करके देखूं। आज मेरे मंजिल को करीब से देखा है, लगता है मछली मेरे बिछे हुए जाल में फंस रही है क्योंकि मैंने आज जाल बिछा दिया। अगर ये सब बात रोमी को पता चल जाएगा तो? नहीं नहीं, ये सब बात सोच के अभी हम कमजोर नहीं होना है, मुझे मेरे मंजिल की ओर जाना है बस। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेगा? उसको कॉल करके देखेगा क्या? क्या नाम था उसका? हाँ चाओ। हेलो। ओह चाओ, आप कहाँ में हैं? अभी हम ड्यूटी में हैं। मेरा लैपटॉप पूरा गड़बड़ हो गया, आप फ्री होने से घर में आ सकेगा? हाँ हाँ, मेरे पास टाइम है तो कहाँ में आना होगा। मैडम। ओ आ गया। आपने बुलाया, मैं ना आऊं ये हो ही नहीं सकता। दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अभी देखता हूँ। हो गया। मैडम योर लैपटॉप इज नॉट रेडी। वाओ वेरी स्मार्ट। थैंक यू मैडम।
चाहो? जी मैडम। एक बात बोलूं? कहिए। आप इतना स्मार्ट, टैलेंटेड और पढ़ा लिखा है, डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हैं? मैडम मेरा तकदीर ही ऐसा है ना, क्या करेगा, काम ही नहीं मिलता है, इसलिए करना पड़ता है। चाहो जी, आपको एतराज ना हो तो मेरे साथ काम करोगे? मन में लड्डू फूटा क्या, एक और फूटा। मैडम एक मिनट। हाँ, अरे क्या हुआ उसे? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सोचा आपने? तो कब से आना मैडम? कल से। जितना सोचा था आप उससे भी स्मार्ट निकले। ये तो आपको बरक पा रहे मैडम, ये प्रोजेक्ट आपका वजह से बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू छोड़ो, आज रात का खाना यहीं पर खा के जाओ। ओके। पहले बोलकर तो देखो मैडम, आपका पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और आप इतना खूबसूरत हो, जवान हो, आप दूसरा शादी क्यों नहीं कर लेते? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मेरे जिंदगी में जो हो गया है उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ मैं। सच पूछो तो मुझे मर्दों से भरोसा ही उठ गया। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। आप किसी को मौका देके तो देखो। वैसे मुझे कौन शादी करेगा? अरे आपको देखे कोई भी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। कोई भी मतलब? कोई भी, आप भी? शायद। आप तो उम्र में हमसे कितना छोटा है। मैडम प्यार तो उम्र देके किया नहीं जाता, बस हो जाता है। फिल्मी डायलॉग। रात बहुत हो गया, घर जाना जरूरी नहीं है, आप यही सो जाओ। आप इतना खूबसूरत जवान हो, आप दूसरा शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या वो सच बोल रहा है या फिर मजाक कर रहा है?
क्या सोचा आप? किसके बारे में मैडम? आहा, मैडम सदम छोड़ दो ना, आज से सिर्फ याजी बोलो, सिर्फ याजी। ओके याजी। हमारे इस रिलेशनशिप को आप क्या नाम देना चाहोगे? जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। धोखा दिया तो सीधा गोली मार देना। उम्मीद करती हूँ कि वो दिन कभी ना आए। डरो मत, मैं आपको गोली नहीं मारूंगी, जरूरत पड़ने से मैं खुद को ही मार दूंगी। मैं तो डर ही गया था, आखिर मंजिल तक हम पहुंच ही गया, ये सब एक दिन मेरा हो जाएगा, मेरा। अरे हम बोला है ना, अभी थोड़ा बिजी है, बाद में कॉल करेंगे। अरे वो तो मैं समझ रही हूँ ना, पर आप भी मेरा बात समझा कीजिए। देखो पैसा का बारे में आप चिंता ही मत कीजिए, मुझे बस लैंड अलॉटमेंट का कागज जल्दी चाहिए, एट एनी कॉस्ट। बिल्डिंग का मॉडल भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। हाँ बिजी हूँ, बोला है ना बिजी हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ बाद में कॉल करेगा, अभी बिजी है। राजू तुम दादो तालुम का फेमस गाना मालूम है? हम सुनाएगा तुम भी गाओ ना। होगा तुम गाओ। बस तंग हबर दो को नमंगो मंग दुम दा दुम ची दुको के। अरे रुको रुको। अरे रोमी, हीरो दोनों कहाँ जा रहा है? समा को मम्मी सुबह में कुछ भेजे, उसके लिए निकले जा रहे हैं। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये सामने मार्केट में। आपका हीरो दिखाई नहीं देता है, आजकल कहाँ चला गया? फोन करने से भी रिसीव नहीं करता है, कहीं दूसरा लड़की का चक्कर में तो नहीं है? वो अपना ड्यूटी में बिजी होता होगा। ओ, वो कोरियर में ना। होगा, आप लोग जाते रहो, हम ये मार्केट जाते रहेगा। जाएगा हाँ। तोरा पहले क्या गाना गाया था? नमो का नम्मा। तो भी कंटिन्यू। नमो का नम्मा। रोमी भी बहुत गुस्सा कर रहा होगा, आज तो फ्री है, एक बार मिलके आना पड़ेगा। ओमी। अरे जाओ। हेलो माय स्वीट हार्ट, ये आपके लिए कुछ कपड़ा और खाने के लिए सामान लाए ना। इतना सामान, इतना पैसा कहाँ से आया है? ओ, हम आजकल ना एक बड़ा कंडक्टर का साथ में काम करता है, और हाँ आपके लिए कुछ पैसा लाया है। ये लो घरवाला के लिए, और ये कॉलेज फीस के लिए, ये आपका घर का खर्चा और कुछ पॉकेट मनी के लिए रख लो, हो जाएगा ना? और अगर कुछ जरूरी होने से हमको बता देना। हाँ हम भेज देंगे। चाय बनाएगा ना? चाय क्या चाय, इतना दिन का बाद आए, उम्मा तो बनता है ना। बदमाश करेगा प्लीज ना। चाओ प्लीज।
मैंने एक महीना का समय दिया था ना। Now your time is finished. Do you? Please. मेरे पास एक मास्टर प्लान है। होगा मास्टर प्लान। ठीक है, तुमको और मैं एक महीना का समय देता हूँ। उसके बाद नहीं मिला तो तेरा कोपरी उड़ा दूँगा। क्या हुआ, आज इतना कॉल किया, कॉल भी रिसीव नहीं करते, क्या कुछ टेंशन है क्या? कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया उसको? हाँ बोलो ओमी, क्या बात है? हाय। हेलो ओमी। क्या कर रहे हो? रेडी हो रहा है ऑफिस में जाने के लिए। बोलो क्या बात है? बस ऐसे ही याद किए। तो होगा, बाद में हम फ्री होने से कॉल करेगा। हाँ जैसे भी कॉल करना है। होगा, ये तो हमको मरवा देगा, हम इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। चाओ क्या कर रहे हैं आप? हाँ ऐसे ही, वो अंदर में नेटवर्क नहीं था ना, जस्ट यहाँ में थोड़ा ऐसे कुछ फोन पे तोड़ देख रहा है। लो चाय। चाओ, हम नोटिस कर रहे हैं अब कल परसों से बहुत टेंशन दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? नहीं ऐसे कुछ खास नहीं है, हमको सब पता चल गया। पता चल गया? काम काज का बारे में ही आप ज्यादा टेंशन हो गया ना। ओ, हाँ, हुई, हुई। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? और मेरे लिए? बोलो क्या सरप्राइज है? ओके, हम लोग जो शॉपिंग मॉल बनाया था वो हम आपका नाम कर दिया। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। उसका प्रमोशन के लिए कल फोटोशूट होगा। हाँ, और उसके लिए चुना है यहाँ का फेमस मॉडल स्टेला को। सो बी रेडी। ओके माय डियर, मॉडल्स वो भी स्टेला, नाम तो काफी सुना है, चलो कल मिल भी लेते हैं। अरे समा, वो देखो तू। अरे जाओ। अरे कहाँ जा रही है? चल जाके देखेगा। ठीक है चल, चलो 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 चलो। अस्ते अस्ते पीछे करो, आज तुझको जिससे भी पकड़ना है। हमको पहले से दबा दो, कुछ तो है गड़बड़। चलो भगो।
Well done, Mrs. Stella. We have satisfied with your work. Thanks for your compliment. अगर बुरा ना माने तो आपको मैं एक बात पूछूं। Of course. आप और आपका मिसेस का एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है? अरे इसमें बुरा माने की क्या बात है? अरे उसका पहला पति तो उसको छोड़ के चला गया ना, वो बहुत ही बेसहारा थी और उसको सहारा देने के लिए आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओह दैट इज द रीजन, आई प्राउड ऑफ यू सर। स्टीला डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल मी चाओ। ओके मिस्टर चाओ, कैन आई टेल यू समथिंग अबाउट मी? सो प्लीज। सहारा देने के लिए शादी तो कर लिया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड With my life partner. आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, फिर भी मुझे कुछ चीजों की कमी महसूस हो रहा है। अगर आप देखिए मिस्टर चाओ, हम आपका जज्बात को समझ सकते हैं बट आई एम ओनली योर क्लाइंट, मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन है। आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। सो फिर भी आप मेरा कार्ड को रख लीजिए, अगर आपको जरूरत होने से मुझे याद कीजिए। आई थिंक शायद इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गौर से सोच लीजिए। ओ हाँ, आपका पेमेंट मैं तो भूल ही गया था। लीजिए ये चेक रख लीजिए। ओह थैंक यू। हाँ देन गुड लक। ओके। अरे राजू, कल 2:15 में हम क्या गाना गाया था? दो दिलों के मालिक बनने के ख्वाब देखते हो चाओ दोस्त, दो दिलों के मालिक बनने के ख्वाब देखते हो चाओ दोस्त, हर वक्त दोनों लड़ाई झगड़े की वो बनेगी होश तो हो जाएगी चाओ की जिंदगी लॉस ही लॉस। अरे बाबा तो बोलो यार, है लगी मैं। अरे राजू तुमको क्या हो गया? चाओ के बारे सोच रहा हूँ, आखिर हो क्या गया है उसे? वो इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था कभी ऐसा। पहले सोच रहा था कि वो मजाक कर रहा है पर अब हद पार कर दिया। तो क्या करेगा अभी? सोचता हूँ कि रोमी को जाके सब कुछ बता दूँ। अभी नहीं, हर चीज का एक समय होता है। तो क्या करे, बेचारा रोमी के बारे सोचने से ही माया लगता है हमको। समय आने दो, पहले चाओ से तो एक बार मिल लूं, आखिर वो चाहता क्या है? ये तेरे जुल्पे मेरे निगाहों से हटते नहीं, ये तेरे जुल्पे मेरे निगाहों से हटते नहीं, करीब आया तो कुछ फीलिंग्स होते नहीं। मार खाएगा राजू, समा को संभालो नहीं तो ये एक दिन जरूर मेरे हाथों से मरेगा। उसको बोल कुछ ही फायदा नहीं है, वो ऐसे ही है। आना तेरा साथ कुछ करने दिल हो रहा है क्या? दन, दन, और क्या? तुम भी ना रोमी, हम जा रहे। ओ राजू, जाते समय मेरा घर में भी चाय पी के जाना। अरे देख रहा मैं। आना दी चाय तो पी के जाओ, मेरा चाय को समा का माता में डाल दो। ये चाय लो। थैंक यू। रोमी चाओ आया था क्या? हाँ उस दिन आया था, हम 5 महीना का रूम भाड़ा नहीं दिया था, उसको देख के किए और हमको कुछ पॉकेट मनी भी दिए। ओमी आजकल चावल बहुत मालदार हो गया, क्या करते है वो मालूम है? हाँ चावल आजकल कोई बड़ा कॉन्ट्रेक्टर का साथ में काम कर रहा है। वो तो आजकल बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम लोग का पोल भी रिसीव नहीं करता है।
बिजी होने से तो मेरा कॉल भी नहीं उठाता है। इतना यकीन है उस पर? असली बात पता है तुमको? मत कर इतनी मोहब्बत ए ओमी, मत कर इतनी मोहब्बत ए ओमी, प्यार का दर्द तू सह ना पाएगा, तू जाएंगे किसी अपनों के हाथों से, तू जाएंगे किसी अपनों के हाथों से, किसने तोड़ा ये भी किसी से कह ना पाएगा। असली बात क्या है राजू? असली बात ये है कि चाओ ने राजू से 10,000 रुपीस पॉकेट मनी के लिए लिया था, वो आज तक वापस नहीं दिया, इसलिए। तो ये बात है? कुछ नहीं, हम बोल देगा उसको, वैसे भी उसके पास पैसा है अभी। हल्के मुन्यांग देना है? हाँ होगा। क्या चलो राजू जाएगा। तुमको बोलने के लिए मना किया था ना, उसका दिल टूट जाएगा ना। फालतू बात मत करो तू, चल जा। तो स्टेला, आप मेरा बारे में क्या सोचा? मुझे जो कहना था वो पहले ही बोल दिया। I'm very sorry. Okay, no problem. प्रॉब्लम है, शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अभी तक 3 बार वोमिटिंग कर चुका है। तो तुम लोग क्या के लिए फोन किया था हमको? यार तुम इतना बदल गया है, पूछा तक नहीं हम लोग कैसा है। देखो राजू, ये सब फिजूल की बातें सुनने के लिए अभी मेरा पास समय नहीं है, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। वाह दोस्त, नो दे ही जिक्पा, तुम तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, दोस्तों के साथ कुछ पल बिताने के लिए समय भी नहीं है। राजू कैसे ना क्यों चाओ, तो चल क्या रहे ये सब? तो सब कुछ आप दोनों जान ही गया, तो सुनो। जिंदगी में कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। अभी हम पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है। तू तो इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि दो दो जिंदगी का साथ खेलवर कर रहा है। तू कहना क्या चाहता है? हम लोग वो औरत और रोमी के बारे में बोल रहे हैं। दूसरों के बारे में तुम दोनों कब से फिक्र करने लगे? नू जादे, इसको बता के पैदा नहीं, ये पैसा के लिए अंडा हो गया। करा जोंगला। देखो चाओ, तुम एक दिन पछताएगा। हेलो जाओ, एक इम्पोर्टेंट बात करना था। तुम क्यों हमेशा बिजी होते रहते हैं? फ्री होने से कॉल करा हमको। एक्सक्यूज मी, आप किससे बात कर रहे थे? आई मीन ये चाओ कौन है? ओ वो मेरा पति है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा पति का नाम भी चाओ है, इसलिए थोड़ा हम कंफ्यूज हो गया था। बुरा मत मानना। हाँ नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने का कौन सी बात है, ये तो एक इत्तिफाक है। अगर आपका जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। आपका बच्चा होने वाला है क्या? एक्चुअली ऐसे बात नहीं है, आपको क्या बताऊं, बताने के लिए भी शर्म लग रहा है। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है ना। खुशी तो तब होती जब हम दोनों का शादी होती। मतलब आपको तो पति है बोल दिया,
पर हमारा अभी तक शादी नहीं हुआ, इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। सच्चा दिल से अगर प्यार करता है तो क्यों नहीं करेगा? मेरा पति तो हमको बहुत प्यार करता है। और आपका भी बच्चा? नहीं, बात ऐसा नहीं है। एक्चुअली चाऊ मेरा सेकंड पति है और मेरा पहला पति से भी कोई बच्चा नहीं है। अभी मेरा उम्र भी हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, इसलिए चेकअप के लिए आए हैं। ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश पहले रुपया पैसा बिजनेस के पीछे दौड़ते थे, ये सब बातों में ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अभी रियलाइज हो रहा है धन दौलत से भर के कुछ चीज़ें दुनिया में मायने रखते हैं। पति को अभी तक हम नहीं बताया है कि यहाँ आए उनके, नहीं तो वो गुस्सा करेगा। गुस्सा करने वाला बात ही तो तुम कर रहा है। मेरा दोस्त लोग अपना गर्लफ्रेंड का साथ 2-3 साल से बेहतर है, ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब लड़की अपना आपको संभालना है ना। ऐसे समय में क्यों हमेशा लड़की को ब्लेम करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते है? दोनों गलती किए और दोनों मिलके सेटल करेगा। सेटल करने वाला बात क्या बोलता है, बच्चा गिरा दो। हम ये सब कुछ भी नहीं करने वाला है, दैट्स कंफर्म। अगर दूसरा रास्ता है तो बोलो। रोमी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा एग्जाम भी आने वाला है, मेरा भी बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी ये सब समय में तुम क्यों गलत कदम उठा रहा है? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरा सपना भी अधूरा रह जाएगा। 1 साल की ही तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोमी प्लीज हमारे प्यार के खातिर एक बार सोच के देखो प्लीज। रोमी मान जाओ ना प्लीज, सिर्फ एक बार के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज रोमी। हाँ ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती करने के लिए सोचो भी मत। कल तुम भी चलो मेरे साथ। दैट्स माय गुड गर्ल। ये रखो, डॉक्टर से सब कुछ बात कर लिया, डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट हाँ, रोमी हम साइट पे जाना पड़ेगा, एक लेबर एक्सीडेंट हो गया, जितना हो सके तो हम जल्दी आ जाएगा। अरे बहन आप फिर आए? हाँ हाँ। बोलो क्या खबर है? खबर ठीक नहीं है, मेरा चाव हमको एबॉर्शन के लिए बोल रहे। और आप मान गया? नहीं माना था, लेकिन वो जबरदस्ती की है, 1 साल रुकने के लिए बोल रहे हैं, और मेरा एग्जाम भी आ रहा है और उसका कुछ काम भी है बोल रहे हैं। क्या ये बिजनेस एग्जाम आपका बच्चा से वर्कर है? ऐसा मत करो मेरा बहन, ये कानूनी जुर्म है। चलो कानून को तो छोड़ो, एक माँ अपना बच्चा को कैसे मार सकते हैं?
ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। आप हमको ही देख लो, धन दौलत पति सब कुछ है, पर जो चाहिए वो मेरा पास नहीं है। पता नहीं होगा कि नहीं। एक माँ बनना औरत के लिए कितने बड़े बात है। अगर आपका माँ आपको पेट में ही मार देते तो आप ये दुनिया देख पाते? आप भी ऐसे ही करने वाले हैं। ऐसा गिरा हुआ काम मत करो मेरा बहन। अगर बच्चा पालने मन नहीं है तो हमको दे दो, हम पालेगा। बस दीदी बस, और कुछ मत बोलिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बच्चा नहीं गिरेगा। मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। थैंक यू दीदी। मैंने पहले बोला था ना, देखो अभी तुम्हारा हालत क्या हो गया। चाओ, हम आपसे एक बात बोलना है। जी बोलो। एक औरत अधूरी होती है जब तक वो माँ नहीं बनते। मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पहले से ही मेरा बच्चा नहीं है। अभी तो एज भी हो गया मेरा, इसलिए हम डॉक्टर रिवा का क्लिनिक गए थे। वहाँ एक लड़की मिली जो कि प्रेग्नेंट थी। हैरान की बात यह है कि उसका पति का नाम भी चाऊ है, इसलिए उसका साथ मेरा दोस्ती हो गई। बिचारी का अब तक शादी भी नहीं हुई है। वो बच्चा गिराने आई थी पर हम उसे मना कर दिया। मुझे तो उसका पति पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बिचारी को इतना तकलीफ दिया, कैसा आदमी है वो? वो तो बहुत बदमाश आदमी होता होगा। लेकिन आज हम बहुत खुश है क्योंकि मेरा बात मान के वो बच्चा नहीं गिराया। जरूरत पड़ने पर उसका बच्चा को भी हम गोद लेगा, ऐसा प्रॉमिस करके रखा है हम। शायद कभी मेरा बच्चा होगा ही नहीं। नुंगा भी नुंगते पादर है। चाओ 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 सुन रहे? चाओ अन्न यू मम पुकुला विस। अरे वर्मा, नो गोलोंग देन। ओ तो सो मार्केट इंजन। ओ हम भी उस तरफ जा रहे हैं, आप आओ ना गाड़ी में। नहीं हो जाएगा ना। कुछ नहीं, आओ ना। ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। उस दिन जल्दबाज में आपका नाम पूछना ही भूल गया और कंटेक्ट नंबर लेना भी भूल गया। ओ मुआमिने रोमी। और आपका? मोया जी। दीदी आपको हम किसे थैंक यू बोलेगा?
समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों? आप हमको बहुत बड़ा पाप करने से बचाए। ये तो हर औरत का फर्ज होता है। आपका फोन नंबर दो तो। अगर आप फ्री है तो चलो ना, शांति से बात करेगा। हाँ होगा। ये लो, अच्छा से गिनती कर लो। मिस्टर टी, ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम सब लोग मुझे फोन करके तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। द डील इज ओवर। हाँ सब ठीक है मिस्टर टी, अभी आप लोग का समूह नहीं चल रहा है। एक स्कॉर्पियो लेने से ठीक है क्या? और मेरा जूता? बेबी, मेरा आईफोन तो मिलेगा ना? प्लीज मेरा मोबाइल रिचार्ज डाल दो। मिलेगा, सब कुछ, सब कुछ मिलेगा। बेबी मेरा आईफोन मिलेगा ना? ये जगह में हमको क्यों लेके आए? दीदी आप भी यहाँ आते हैं क्या? हाँ आप भी यहाँ आते हैं? हाँ मेरा चाव कभी कभी यहाँ लेके आता है, कहता है माइंड फ्रेश होता है। जब ये जगह आता है ना बहुत माइंड फ्रेश होता है। अरे मेरा पति भी हमको वही बोलता है। जब ये जगह आता है ना माइंड बहुत शांति होता है। हम दोनों का चाव बहुत मिलता जुलता है ना? ये तो एक इत्तेफाक है। आपका पति बच्चा का बारे में क्या बोल रहा है? बहुत झगड़ा हुआ है, मैंने तो साफ मना कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम बच्चा नहीं गिराएगा। बाद में वो शादी करने से मना कर दिया तो? जो होगा देखा जाएगा, अभी सिर्फ हम अपना बच्चा का बारे में सोच रहे हैं। अच्छा डिसीजन लिया आप, शायद मैं ही गलत थी। नहीं समझे दीदी, शायद मैं सेल्फिश हो गई थी। ये आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आपका कहानी सुनने के बाद मैं ये सोच रही थी कि आपका बच्चा को गोद लेगा। पर अभी आपका बात सुनने के बाद एहसास हुआ है कि मैं गलत थी। एक माँ अपना बच्चा को कैसे छोड़ सकता है? अभी अपना बच्चा को अच्छे से परवरिश करो, कभी कुछ भी कमियाँ हो तो हमको बोलो। थैंक्स दीदी, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको हमेशा याद रखेगा। और आपका पति बहुत खुश नसीब है जिसे आप जिसे पत्नी मिले। और आप भी इतना दुखी मत रहिए, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन जरूर बच्चा होगा। कुछ कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। काश ऐसा होता। आपका पति को हमको एक बार मिला दो, हम उसे बात करेगा आपका बारे में। वो देखने में कैसा है? मेरे पास फोटो है तो उसका। हाँ ये। हाँ आना दी। हाँ हाँ मुआरिन। सॉरी हाँ वो दीदी का फोन आया था ना, ये है मेरा चाव। ये देखो मेरा चाव।
किया ऐसा मेरा साथ। How stupid question! मैं ही पागल हूँ, क्या सवाल पूछे जा रही हूँ? तुम ये सब पैसे के लिए किए है ना? हाँ, बेवकूफ हूँ मैं। कोई जवान लड़का एक बुरी से क्यों शादी करेगा? पैसे के लिए करेगा, पैसे। साला, पहले ये बात मेरे भेजे में क्यों नहीं आए? ये जी प्लीज कूल डाउन, मैं सब कुछ बता देता हूँ। कोई सफाई नहीं चाहिए, दूंगा मुंगा बिंगतम ते दनले। हाँ, तुम हमको क्या बताने वाला था? तुम हमको नहीं, तुम मेरा दौलत से प्यार करता था, यही है ना? बात ऐसा नहीं है अजी। बोला है ना, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार महसूस कर रही थी, धन दौलत कुछ नहीं, बस प्यार जरूरी है। दुनिया को फिर से एक नया अंदाज से देखने लगी थी। नाम संगबाम तुस मंगतुन, प्यार हो गया था तुझसे। अब मैं क्या करूं? तुझे तो मैं मार भी नहीं सकती। प्लीज मुझे एक बार के लिए माफ कर दो। माफ तो हम पहला पति को भी नहीं किया था और तुझे भी नहीं करूंगी। तुझे दौलत चाहिए ना, दौलत? रुको, तुम लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, लो, ये सब ले लो, 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 ये सब लेके तुम इंजॉय करो अकेला। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ये जी प्लीज लिसन टू मी, नया जिंदगी मुबारक हो। ये जी तुम गलत डिसीजन ले रही हो, हम लोग बात करके आराम से सुलझा सकता है। ये जी जो करना है अकेला करते रहो। ये जी प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा पीछा किया तो तुमको गोली मार दूंगा। लोग कहते हैं इंसान दोबारा जन्म लेते, आपने तो एक बार ही जीना मुश्किल कर दी। नहीं चाहिए मुझे दोबारा जिंदगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, दिनक दिनक दिन, ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, दिनक दिनक दिन, ता दिन दिन ना। ओमी क्या हुआ है? तू ही तो एक मेरा, तेरे सिवा कोई ना, मेरा ना। हम पहले अभी बताने वाला था, ये फालतू समय है ना, बताने नहीं दिया हमको। हमको क्या पता था वो ऐसे करेगा बोल के, इतना फालतू हो गया वो तो आजकल, वाह इतना बड़ा आदमी बन गया, हम लोग को देखता भी नहीं है। लो सैतन का नाम लेते ही वो आ गया, गंगा सोंगो से करे बुका का मापन। ओमी, ओमी प्लीज दरवाजा खोलो। आपका घर में गया था ना, घर का मालिक ने कहा कि अब आना का घर में गया है, इसलिए हम यहाँ में आए हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। सबा प्लीज, ये आदमी को यहाँ से जाने के लिए बोलो। सुखगंज बाबू खाने का वहाँ। ओमी प्लीज दरवाजा खोलो ना। तेरे को समझ में नहीं है वो क्या बोल रहा है, जाओ यहाँ से, उसको शांति से बैठने दो। प्लीज यहाँ से चला जाओ। तुम सब चुप रहो प्लीज, ये ओमी हम दोनों का आपस का मामला है। तुम मेरे घर में झगड़ा करने के लिए आए क्या? अच्छा,
तुम लोग सब मिलके ओमी हम दोनों का रिश्ता को तोड़ना चाहता है ना? रिश्ता? तुमको रिश्ता का बारे में मालूम है? समा, तुम ज्यादा हो रहे हाँ, तुम चुप बैठो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठेगा? अरे समा, तुम हमें आए चलो समा, अरे तुम हमको मारेगा ना? अरे चलो चलो चलो, तुम तुम कर दो जाना उसको, चलो मुझे उसको मैं नीचे फेंक दूंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लेकिन आजकल बहुत आने लगा है चाओ। तुम्हारा बकवास सुनने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। सुनना पड़ेगा चाओ, क्योंकि अभी कहानी में ट्विस्ट आया है। हम लोग का लेना देना सब कुछ खत्म हो गया। तुम जितना मांगा था वो सब मैं दे दिया। दोबारा कॉल क्यों कर रहा है? मेरा पैसा तो मुझे मिल गया लेकिन इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है। मतलब? मतलब तू कहेगा अंधा और हमको देगा चिल्का। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तो सुनो, हमको सब कुछ पता चल गया है। तू उस बुद्धि का पूरा प्रॉपर्टी हड़प लिया है साला। तेरे लिए मैंने इतना तकलीफ झेला है और तुमको हम इतना आसानी से क्यों जाने दो? पैसा के लिए तू इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए तेरा प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमको चाहिए। तुम पागल है? नहीं तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा। जो कुछ करने कर लो, फिर से कॉल किया तो दोबारा जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। फोन रख। बेबी, ये आईफोन छोटा हो गया, बड़ा वाला ला दो ना।
आए पिया नहीं आए बारे में हम सब कुछ पता करके आया हूं। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। देखो जिंदगी सबको एक बार परीक्षा लेता है, इसमें कोई पास होता है कोई फेल होता है। ये नहीं पता कि हम पास हुआ है कि फेल हुआ है, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि जब से तुमसे अलग हुआ है तब से हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश किया है और अच्छा काम करने की कोशिश किया है। बड़ा तो नहीं है, एक छोटा सा घर है मेरा। अगर अभी भी मेरे लिए तुम्हारा दिल में जगह है, तुम कभी भी आ सकते हो। तुम्हारे लिए मेरा घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। हम दोनों फिर से एक नया जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जब भी मन करे घर आ जाना, हम जा रहे हैं। Is this Chao? Yes. I'm Stella. पहचाना मुझे? Yeah, yeah, yeah. आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। आपने मुझे एक कार्ड दिया था, याद है आपको? तो कार्ड देते समय में क्या बोला था वो भी याद होता होगा कि आप खुश नहीं हैं और हम दोनों तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक चांस दिया जाए और हम भी एक चांस लेके देखें। सॉरी स्टेला, आई वॉज रॉन्ग। जो कुछ आपके साथ में बदतमीज की प्लीज उसे माफ कर दो। वाओ, इंटरेस्टिंग। या इंटरेस्टिंग, जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ है प्यार क्या चीज है। लाइफ में बहुत गलत काम किया है मैंने, इसलिए उसे परिचित करना चाहता हूँ। I'm sorry. Wow, that's like a good boy.
हैव अ गुड लक थैंक्स मिस्टर टी एक बहुत खुशखबर है क्या खुशखबर चाओ का एक बीबी और बच्चा भी है बच्चा बहुत रो रहा है और दूध भी नहीं पी रहा है हाँ चुप भी नहीं हो रहा है तुम लोग जाओ माँ को भी उठा खिलाओ तुम लोग बच्चा को मना नहीं कर सकते अनाथ दीदी मेरा बच्चा क्या कोई उठा के नहीं खेल कौन ऐसे किए है कौन है किस लिए नहीं है कुछ भी पता नहीं ठीक है तुम चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ मैंने कहा था ना जिंदगी सबको एक बार परीक्षा लेते हैं कहा था ना तुझे फोन मत करो मिस्टर काओ मिस्टर ती मिस्टर चाओ ध्यान से सुन ये आवाज सुनाई दे रहा है ना अरे ये किसी बच्चे की आवाज है पहचाना ये आवाज मिस्टर ती कम टू द पॉइंट अरे उसे क्या लेना देना है मुझे ये किसी और बच्चे का आवाज नहीं तेरा खून का आवाज है तेरा खून क्या यकीन नहीं तो आके देख लो तो पता ही होगा तुझे अभी तो तेरा निहंग भी आते होंगे मिस्टर ती ये अगर सच है तो तू जिंदा नहीं बचेगा प्लीज आते समय में अपना प्रॉपर्टी का कागज लेके आना भूलना मत और हाँ हिंदी फिल्म में तुम दिखते होगे उसमें विलन क्या कहता है पुलिस को कवर किया तो तेरा फैमिली का जिंदगी का लास मिस्टर ती नो सीधे लाए तेरा बच्चा नहीं मिलेगा देखो
चाव से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा बच्चा वापस कर दो। चुप, पहले तेरा बच्चा को चुप कराओ। मेरा बच्चा कहाँ है? पहले परमार्थी का कागज दो, बच्चा मिल जाएगा तुमको। कागज मिल जाएगा? पहले बच्चा लाओ, पहले कागज लाओ। यू और बच्चा को लेके आओ क्विक। चलो 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 चलो।
भर्ती का कागज कहाँ है? नहीं तो तेरा बीबी यहीं पे मारा जाएगा। कागज गाड़ी में, चाबी ले पॉकेट में। दोरो पॉकेट चेक करो। मिस्टर ती, ये तुम लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है। तुम बचताओगी, तेरा हिसाब किताब तू पहले ही क्लियर कर चुका हो कमीना। कमीना बन तो हम तुमसे शिकायत, अगर तू पैसा के लिए सब कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे माला भी है रे, उसे भी लेके चलता हूँ। मम्मी, मैंने जो आपके साथ जो किया वो माफी का लायक नहीं है। जाने अनजाने में आपको हम बहुत तकलीफ दी है, फिर भी अगर आप सकता है तो मुझे माफ कर दो। अगर जिंदगी ने जीने का मौका दिया तो हम दोनों फिर से नया जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नो टाइम की सलाह, ड्रामा बंद करो। मिस्टर ती, फाइल के साथ माला भी मिल गया। इसमें तू साइन किया ही नहीं। लो ये पेन। साइन करो। पहले मेरा बच्चा और ओमी को छोड़ दो, उसके बाद ही साइन करूंगा। तेरी तो हम उनको करें बाप। सभी बीरो। भाग जा राका, भाग जा, नहीं तो डूब ही गया।
आप मुझे माफ कर दिया है ना? बस और कुछ मत बोलो राज। समा मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया। मारे में मेरे आप को हो सके तो मुझे माफ कर दो। चलो ये सब बात जो होना था हो चुका है। कुछ नहीं हो जाएगा ठीक है। आना सुमा को सुहा चुके मन नहीं है क्या? ओन्यो कुन्यो ओन्यो मोई बेटा करे। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ पुलिस को हम हैंडल कर लेगा, चिंता मत करो। हाँ जो होना था हो गया, जिंदगी में गलतियां तो होते रहते हैं। अभी सब ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ था बोल के आप भी भूल जाओ और हम भी भूल जाएगा। अभी आप दोनों खुशी से जिंदगी जियो। लेकिन जो हम आपको दिया था वो हम वापस नहीं लेगा। उसे आप रख लो, ये लो। मैडम प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हम अपना जिंदगी हंसी खुशी जी लेंगे, लेकिन अपना मेहनत की कमाई से जी लेंगे। आप अपना कागजात रख लीजिए। ठीक है, आप जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। अगर जिंदगी में मेरे जरूरत होगा तो मुझे याद करना, हम हमेशा साथ देगा। ठीक है हम चलते हैं। ठीक है दीदी। हेलो मैम। हाँ दिस इज चाउ द डिलीवरी बॉय। बोल बोल जी का कागज का यही पे मारा जाएगा। ये सब धेरा सिर्फ बच्चों ने। तुम क्यों बार बार ये कर रहे हो? तुम पागल है। कटो। उसको क्या जरूरत है अपनी माँ के समान? अय्या सॉरी। चलो 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 चलो। एक्शन। आप बुलाया मैं नहीं जाएगा, ये वही नहीं। क्या चाहे? अरे अरे ऐसे नहीं था क्या? एक्शन ना। नाम and he Mr. too much. कल तेरा है असर या है और वजह? बहक बहकी बात है अगर फिर ये चाहते दिल की क्या? होता ना कि सच या नहीं, तुझ बिन सुना मेरा जहां।